इन दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहाँ देखने को मिलता है कि गोयनका का परिवार और बिल्ला परिवार दोनों ही इकट्ठे हो चुके हैं और अभिमन्यु वहाँ पहुँच जाता है। मैंने सब जगह अक्षरा को ढूंढ रहा होता है, लेकिन अक्षरा के लिए सभी लोग कहते हैं कि वो थोड़ी देर में आ जाएगी काम खत्म होते ही, और वो सिर्फ और सिर्फ दरवाजे की तरफ देख रहा होता है और अब उसका इंतजार कर रहा होता है, और जो गुस्से गुस्से में कॉफ़ी कोल्ड ड्रिंक भी भेजाता है। ये लाकर पूछता है और कहता है कि आप ऐसी बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वो कहता है कि मैं जैसे तैसे संभाल रहा हूँ, लेकिन तुम अब इसमें बीच में मत पड़ो, और अभी मैंने साफ मना कर दिया कि बीच में मत पड़ो। तो वहीं पर नील तो जाने की कोशिश करता है कि आखिर आरोही के बीच में और हर्षवर्धन के बीच में क्या चल रहा है, और आरोही यहाँ पर अपने एग्जाम के बारे में छुपाते नजर आते हैं, थोड़ा सा परेशान होती है। तो हर्ष कहता है कि मैंने तुम्हें बताया था ना कि वो फोटो नहीं मिली है, लेकिन अब आगे कुछ भी गड़बड़ मत होने देना। जिसके बाद यहाँ पर वो कहते हैं कि फोटो वो फोन जबकि वो फोन तो नील ने उठाया था, और उन दोनों को ही गलतफहमी हो गई थी, और फिर वो उस फोटो को लेकर कोई बात नहीं करना चाहते हैं। लेकिन नील को उन दोनों पर ही शक हो चुका है, और वो इस सच्चाई को जानने की कोशिश कर रहा होता है और इन दोनों की बातें सुन रहा होता है। नील ठान चुका है कि अगर आरोही ने कुछ भी गड़बड़ करी तो वो उसे नहीं छोड़ेगा। तो दूसरी तरफ देखने को मिलता है कि अक्षरा सीढ़ियों से गिरने वाली होती है, और इसका एहसास अभिमन्यु को होता है, और कहता है कि संभल के। और यहाँ पर नील को लगता है कि वो शायद अमनजरी को कह रहा है, जबकि अक्षरा गिरते गिरते बचती है और उसके बाद ने कैब बुक करती है, लेकिन कैब वाला ना तो कभी आ रहा होता है, और लास्ट मोमेंट पर वो उसकी जो राइड है वो कैंसिल कर देता है। जिसके बाद देखने को मिलता है कि अक्षरा पहुँचती नहीं है, और दूसरी तरफ यहाँ पर मनीष हर्षवर्धन को जबरदस्ती डांस करवाता है, और पूरे घर वाले मस्ती करते नजर आते हैं, और हर्षवर्धन को फाइनली डांस करना ही पड़ता है मनीष के आगे। तो वहीं देखने को मिलता है कि यहाँ पर अब अभिमन्यु अक्षरा को ना पाकर पहुँच जाता है अक्षरा को लेने के लिए, और उसके साथ में एक स्पीकर भी लेकर जाता है जिसमें गाना बज रहा होता है चूड़ियों वाला, और देखने को मिलता है कि अक्षरा बेचारी डर जाती है और कहती है मैं नहीं जाऊँगी तुम्हारे साथ। लेकिन यहाँ वो उसे ब्रेसलेट दिखाता है, अच्छा तो तुम मेरे कमरे में और मेरे दिल में क्या कर रही हो, और उसके बाद में उसे ज़बरदस्ती बिठाकर लेकर जाता है। सब घर वाले शॉक्ड हो जाते हैं, और देखने को मिलता है कि लाइट्स चली जाती है और अक्षरा की एंट्री होती है, और अक्षरा वहाँ पर सीधा डांस करते नजर आती है, और उसके बाद अभिमन्यु और पूरा परिवार भी उसे ज्वाइन करता है, और आरोही को बहुत बुरा लगता है कि अक्षरा ने एक बार फिर से सबका टेंशन ले लिया है। तो वही सगाई की रस्में होगी, जहाँ पर अब अभिमन्यु अपनी उंगली को तोड़वा चुका है और जानबूझकर अपने आप को चोट पहुँचा चुका है, और उस उंगली में वो रिंग नहीं पहनने वाला, यहाँ तक कि रिंग भी गायब कर देता है, लेकिन अक्षरा सब कुछ संभालते नजर आती है। तो भाई यहाँ पर धीरे धीरे अभिमन्यु यही अक्षरा को एहसास करवाना चाहता है कि वही शादी तो बिल्कुल नहीं करने वाला। आप देखते हैं कि कैसे अक्षरा और अभिमन्यु की शादी होती है, और नील कैसे सच्चाई सामने लेकर आता है।